हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक दिस सेटअप फ्रॉम दिस टू दिस, वो भी बस 3000 रुपए से कम में। तो लेट्स स्टार्ट। ये रूम कुछ ऐसा दिखता है। तो आपने देखा होगा कि जब मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा ऐसा सा बैकग्राउंड दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है यार। और ये सेटअप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। हर बार मुझे ट्राइपॉड रखना पड़ता है, पीछे लाइटनिंग वगैरह सही करनी पड़ती है। तो अब अगर मैं रेगुलर कुछ स्ट्रीम करने की सोचूंगा या कुछ करने की सोचूंगा तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा मेरे पास रेडीमेड सेटअप हो और वो थोड़ा सा कूल लगे यार। तो जब मैं स्ट्रीम करता हूं तो आपको ऐसा कुछ बैकग्राउंड दिखता है कि मेरे पीछे ये लगे, और ये भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसका उपाय मैंने ये सोचा है कि मैं इस टेबल को ना 180 डिग्री घुमा लूँगा। मतलब टेबल इधर आएगा, चेयर इधर आएगी, और बैकग्राउंड में जब मैं टेबल के ऊपर फोन रखूंगा और शूट करूंगा तो ये वाली वॉल दिखेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर वॉल है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी रूम की ओरिएंटेशन अजीब हो जाएगी, बट स्ट्रीम करने में मज़ा आएगा और वीडियो रिकॉर्ड करने में अच्छा बन जाएगा। तो आई गेस बाकी सब तो ठीक ही है। मैं रूम की ओरिएंटेशन चेंज करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने सारा सामान बेड पर रख दिया और टेबल चेयर दोनों साइड कर दिए। और टेबल के पीछे बहुत ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि पता नहीं कितने टाइम से सफाई नहीं हुई। तो मैं अच्छे से झाड़ू पोछा लगाता हूँ ताकि ये जगह बैठने लायक हो जाए। कर्टिन को भी अभी के लिए निकाल देता हूँ क्योंकि जब से मैं कॉलेज आया हूँ इसको कभी साफ ही नहीं किया, धुलवाया ही नहीं कभी। और विंडोज़ के ऊपर भी अच्छे से डस्टिंग करता हूँ क्योंकि यहाँ पर अब मुझे डेली बैठना है तो सफाई तो रखनी ही पड़ेगी। वॉल के ऊपर से भी पोस्टर निकालने के बाद वॉल को भी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। अब नए पोस्टर आएंगे या नया वॉलपेपर आएगा वो बाद में देखेंगे। और फाइनली टेबल चेयर को जैसे मैं चाहता था वैसे रखने के बाद और सब चीज़ें अच्छे से क्लीन करके एक बेसिक सेटअप तैयार हो जाता है। तो फाइनली रूम ऐसा दिख रहा था। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए, कैसे मैं सेटअप बिल्ड करूंगा, कौन सी लाइट्स लगाऊंगा, कहां पर लगाऊंगा, और साथ में ध्यान में रख के कि बजट 3000 ही है मैंने सब कुछ अमेज़न से ऑर्डर कर दिया। तो ट्राइपॉड के साथ एक रिमोट भी आया है जिसके साथ आप रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकते हो, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइट्स पे। ये लाइट्स के साथ वायर्स नहीं आई थी तो मैंने मार्केट से वायर्स और स्विच खरीद लिए करीब 50 रुपये के। और अभी तक अपने 3 साल में जो भी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीखा था वो सब यूज़ करके सब कनेक्शंस जोड़ दिए, लेकिन फिर भी एक लाइट नहीं चली। पर मैंने हार नहीं मानी और दोबारा अपनी डिग्री का यूज़ करके ट्राई किया और फाइनली दोनों लाइट्स चल पड़ी। तो इससे हमने सीखा IIT रुड़की की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। ये वॉलपेपर्स डबल साइडेड टेप के साथ आते हैं तो आप इन्हें डायरेक्टली वॉल पे चिपका सकते हो बिना किसी टेप के, लेकिन ये करने में सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। बहुत ध्यान से करने वाला काम है ये। स्विच बोर्ड बीच में आ रहा था तो उसके हिसाब से ध्यान से कटिंग भी करी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया ये सब करने में। पर फाइनल रिजल्ट मुझे तो बहुत पसंद आया, और जो पूरे सेटअप की मेन हाईलाइट है वो इसी से आएगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको वो फाइनल लुक दिखाने के लिए। इसके बाद मैंने लाइट्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट को कहाँ रखना है, कौन से एंगल पर रखना है, रिंग लाइट को कैसे रखना है, और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचा जो मुझे लगा कि बेस्ट है। तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है और ये है फाइनल सेटअप। फ्रेम दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ किया है। तो दो लाइट्स थी वो एक लाइट मैंने यहाँ पर रख दी है जिसमें ब्लू कलर डाल दिया, और एक लाइट वहाँ रख दी जिसके ऊपर रेड कलर डाल दिया ताकि बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है इसके ऊपर एक अच्छा सा दोनों का मिक्सचर करके आए जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लू और रेड का अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। और उसके साथ यहाँ पर मैं ये चेयर पर बैठूँगा और सामने मेरे एक ये रिंग लाइट है, ये डिजिटेक की रिंग लाइट है। और उसके अलावा ये जो ट्राइपॉड था यहाँ पे फ़ोन अटैच होगा, ये दूसरा फ़ोन है इसके ऊपर से मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। और उसके अलावा हाँ, जो ये लैपटॉप है मैंने माइक कनेक्ट किया हुआ है वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं दिखा नहीं सकता, पर वो माँ ओनो का। तो यार यही था पूरा सेटअप। मैं फाइनली आपको यहाँ पर अपना फ़ोन अटैच करके फ्रेम दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा ये पूरी चीज़ वीडियो में।
सो दिस इज द फाइनल सेटअप। आई नो बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, पर ये रूम काफ़ी छोटा है तो ज़्यादा जगह नहीं है चेंजेस करने की, और इसका ओवरऑल प्राइस 3000 रुपए से कम है, तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ ये फाइनल रिजल्ट से, और जो इसके पहले वाला सेटअप था उससे तो ये काफ़ी बेटर है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आगे चल के हो सकता है मैं इस सेटअप में कुछ चेंजेस करूँ, जैसे मुझे पीछे थोड़ा सा खाली लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नियॉन साइन बनवा लूँ, बट वो बाद में देखते हैं। अभी के लिए तो यही है मेरा फाइनल सेटअप। आपके पास कोई सजेशन हो या कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.